हैं, सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। और फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे कोरोना को लेकर किसानों के बीच कौन फैला रहा है अफवाह, और साथ ही बताएंगे मुंबई में चलती कार कैसे बन गई जलती कार। लेकिन पहले देखिए नॉनस्टॉप अंदाज में सुबह की 100 बड़ी खबरें 10 मिनट में। दिल्ली में धरना दे रहे किसान आज हाईवे करेंगे जाम, दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे को करेंगे बंद। किसान नेताओं ने आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक सभी टोल को फ्री कराने का ऐलान किया, लोगों को परेशानी हो सकती है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर एस राजेवाल ने कहा आज दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करेंगे, अभी ट्रेन रोकने का कार्यक्रम तय नहीं। किसानों का आज के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर मुस्तैदी सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया। पंजाब के लुधियाना से हजारों किसानों ने फिर किया दिल्ली कूच, आज आंदोलन में होंगे शामिल, हाईवे पर एक तरफ ट्रैक्टर्स का रैला। अमृतसर से भी ट्रैक्टरों पर दिल्ली आ रहे हैं सैकड़ों किसान, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव पहुंचे टिकरी बॉर्डर, सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा, बॉर्डर पर जवानों से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा आज के किसानों के हाईवे जाम को लेकर पुलिस की पूरी तैयारी, पुलिस जवानों को कोरोना काल में सतर्कता पूर्वक ड्यूटी निभाने को कहा। टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों का दावा किसान आंदोलन को लेफ्ट नेताओं वामपंथी चरमपंथियों ने हाईजैक किया, किसानों को हिंसा और आगजनी के लिए उकसा सकते हैं। नरेंद्र तोमर ने ट्वीट कर कहा किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं, किसानों को सावधान रहने की अपील। इंडिया टीवी से बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान को बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता, वामपंथी नेता किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा किसान आंदोलन में गलत तरह के लोग शामिल हो रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने की साजिश। इंडिया टीवी पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, आंदोलनकारी किसानों को गलत तत्वों से बचने की सलाह, कहा गांव गरीब और किसान सरकार की प्राथमिकता। कृषि मंत्री ने एमएसपी पर फिर दिया जोर, कहा पीएम संसद में बोल चुके हैं, इससे ज्यादा मजबूत रिकॉर्ड दस्तावेज और क्या हो सकता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वामपंथी और माओवादियों ने किसान आंदोलन को किया हाईजैक, अपने एजेंडे के लिए प्लेटफॉर्म का कर रहे हैं इस्तेमाल। किसान नेता हन्नान मुल्ला ने कहा किसानों को बदनाम करने के लिए दिए जा रहे हैं ऐसे बयान, मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। भारतीय किसान नेता प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा सरकार ने अभी तक हमारा केवल नरम रुख देखा, मांग ना मानी गई तो बुरे होंगे परिणाम। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर जमा किसानों ने निकाली अर्थी यात्रा, सरकार का पुतला जलाया। कृषि कानून पर आक्रामक हुई बीजेपी, 700 चौपाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि कानून के फायदे गिनाए जाएंगे। 14 दिसंबर को पंजाब में आपका आंदोलन, किसानों के समर्थन में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। बॉर्डर पर तैनात 2 पुलिस अधिकारियों को कोरोना होने के बाद बॉर्डर पर मोबाइल कोविड वैन तैनात, लोगों को लक्षण दिखने पर टेस्ट कराने की सलाह दी। गाजीपुर बॉर्डर पे भी डॉक्टर्स ने लगाया मेडिकल कैंप, प्रदर्शनकारी मास्क में नहीं आ रहे हैं नजर। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के लिए कई इंतजाम, खालसा एड नाम की संस्था ने लगाए 25 फुट मसाज मशीन। जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव को लेकर केंद्र और ममता सरकार के बीच टकराव बढ़ा, पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव नहीं आएंगे, गृह मंत्रालय 14 दिसंबर का समन भी ठुकराया। बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के सामने होना था पेश, बताना था नड्डा के काफिले में कैसे हुई सुरक्षा चूक। हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी, कहा बंगाल का घटनाक्रम परेशान करने वाला। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी का आरोप, कहा बंगाल को केंद्र का लेटर भेजना संवैधानिक देश के संघीय ढांचे में दखल का आरोप। ममता का बाहरी वाला बयान दुर्भाग्यपूर्ण, राज्यपाल ने कहा भारत के लोगों को बाहरी बताती है ममता बैनर्जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले धनखड़, कहा जब सीएम जिम्मेदारी से भटकते हैं तो मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है। जेपी नड्डा पर हमला केस में 7 लोग गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने दर्ज किए 3 FIR। बंगाल के मुख्य सचिव ने किया दावा नड्डा की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे लेकिन ज्यादा गाड़ियां आ गई। गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं 2 दिन का बंगाल दौरा, 18 दिसंबर की रात कोलकाता पहुंचेंगे, उत्तर 24 परगना और बीरभूम के बोलपुर जाएंगे। नड्डा पर हमले के बाद बोले दिलीप घोष, कहा लाल डायरी में लिख रहा हूँ सूद समेत वापस लौट आएंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा बंगाल में राष्ट्रपति शासन पर केंद्र को लेना चाहिए फैसला, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर ठप। पटना में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने कहा नहीं सुधरे तो जनता बंगाल से बेदखल कर देगी। पश्चिम बंगाल के गोबरडांगा में हिंदू कॉलेज में एबीपी और तृणमूल छात्र परिषद के बीच झड़प, कई छात्र घायल। टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी का सीबीआई डायरेक्टर को लेटर, कहा शारदा चिट फंड केस में दिया जा रहा है दखल। पेरिस जलवायु परिवर्तन के 5 साल पूरा होने पर ग्लोबल क्लाइमेट समिट आज, पीएम मोदी करेंगे ऑनलाइन संबोधित। भारतीय इंटरनेशनल फेस्टिवल में पीएम मोदी का संबोधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम हुए शामिल। पीएम ने कहा महाकवि भारतियार की रचनाओं में महिलाओं का अहम स्थान, महाकवि ने नारी को स्वतंत्र और सशक्त बतलाया।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अपने संस्मरण में दावा, बहुत कांग्रेस नेताओं की राय, मैं 2004 में पीएम बना था तो 2014 चुनाव में नहीं होती हार। अपनी मौत से पहले प्रणब ने लिखा था संस्मरण, किताब में किया दावा, मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद राजनीतिक फोकस से भटकी कांग्रेस। यूपी में बुलडोजर अभियान का नेताओं पर खौफ, भदोही में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने प्रयागराज में अपने मकान की अवैध दो मंजिल खुद गिराई। प्रयागराज के अलापुर इलाके में पुलिस चौकी के ठीक पास बनी है विजय मिश्र की चार मंजिला इमारत, केवल दो मंजिल बनाने की मिली थी मंजूरी। यूपी के बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की 50 करोड़ की चार संपत्ति को किया कुर्क, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। प्रशासन ने पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के कॉलेज और पेट्रोल पंप को किया कुर्क, 65 लाख की चार लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की। यूपी एसटीएफ ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ की अदालत में दाखिल किया चार्जशीट, अवैध दस्तावेजों के जरिए हथियार खरीदने का आरोप। योगी कैबिनेट ने अयोध्या और मथुरा वृंदावन के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी, 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की मोहर भी लगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का करेंगे उद्घाटन, कैलाश मानसरोवर जाने वाले 300 श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतजाम। यूपी में 26 जनवरी की परेड में सांस्कृतिक झांकी रहेगी मुख्य थीम, भगवान राम और राम मंदिर की झांकी का प्रस्ताव पास। बीजेपी मुंबई बीएमसी चुनाव में लगाएगी दम, 18 दिसंबर से 3 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड, पुरुष जींस टी शर्ट के बजाय शर्ट पैंट पहनेंगे और महिलाओं को साड़ी, सलवार कमीज और दुपट्टा पहनने के निर्देश। राजस्थान में गहलोत सरकार के लिए नई मुसीबत, भारतीय ट्राइबल पार्टी ने गहलोत से समर्थन वापस लिया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा राज्य में नशे का कारोबार नहीं पनपने देंगे, पूरी तरह करेंगे नेस्तो नाबूद, जिम का ट्रेनर अगर ड्रग्स का बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जया बच्चन की मां इंदिरा भादुरी से भोपाल में मिले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अगले हफ्ते बंगाली बंधुओं के सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, हैदराबाद नगर निगम चुनाव के बाद पहली मुलाकात, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ भी बैठक। सरकार ने लद्दाख में तनाव के लिए चीन पर किया पलटवार, विदेश मंत्रालय ने कहा चीन के एक्शन के कारण एलएसी पर तनाव। नेवी के पायलट कमांडर निशांत सिंह का मुंबई में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, 26 नवंबर को MiG-29 क्रैश हुआ था। इसरो लगाने जा रहा है एक और छलांग, 17 दिसंबर को PSLV C-50 से लॉन्च होगी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का असर, गुलमर्ग की वादियां बर्फ से ढकी। मुंबई के पास थाने के जंगलों में महिला और उसके 3 बच्चों का पेड़ से लटका हुआ मिला शव, 21 अक्टूबर से थे लापता। चारों के शव मिलते ही महिला के पति और उसकी दूसरी पत्नी ने खुदकुशी की कोशिश की, पुलिस ने दोनों पर केस दर्ज किया। मुंबई के पास थाने में ईस्टर्न एक्सप्रेस पर चलती कार में लगी आग, ड्राइवर समय रहते निकला बाहर, पूरी कार हुई खाक। राजस्थान के कोटा के सरकारी अस्पताल में 3 और 9 नवजात बच्चों की मौत, 2 दिन के अंदर अभी तक 12 बच्चों की जान गई है। कोटा में 9 नवजातों की मौत का मामला राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच के लिए समिति बनाई, 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। पतंगबाजी का शौक, लखनऊ मेट्रो पर पड़ रहा है भारी, तार में चाइनीज मांझा लिपटने से लखनऊ मेट्रो पर पड़ा है असर, मेट्रो प्रशासन ने दर्ज की है FIR। यूपी के रामपुर में 1 महीने से दहशत फैलाने वाला तेंदुआ हुआ प्रशासन के लगाए पिंजरे में कैद, जंगल में छोड़ा गया। कानपुर में रिपोर्टर को झगड़ा सुलझाना महंगा पड़ा, लोहे की रॉड लगने से घायल 2 गिरफ्तार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रोड रेज की घटना, ऑटो में सवार 2 कार सवारों पर एक बिल्डर ने लगाया गोलियां बरसाने का आरोप। मन्नार की खाड़ी में भारतीय कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन, मछुआरों की नाव से 4.5 करोड़ का सोना पकड़ा। रांची में बैंड चरमपंथी संगठन PLFI का जोनल कमांडर गिरफ्तार, हजारीबाग इलाके में था सक्रिय। शोपियान में सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,268 नए केस, 87 मरीजों की मौत। देश में कोरोना की रफ्तार में आई और कमी, एक दिन में सिर्फ 29,961 लोग पाए गए हैं पॉजिटिव, देश का कोरोना ग्राफ 98 लाख के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 440 मौत, कोरोना से अब तक 1,42,662 लोगों ने गवाई जान। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 2,385 नए केस सामने आए, 60 लोगों ने दम तोड़ा। डिजिटल डिलीवरी सेवा को लेकर दिल्ली में हाई लेवल बैठक, LGNL बैजल शामिल। उत्तर प्रदेश में कोरोना केस में कमी आई, 24 घंटे में 1,613 नए केस, 17 मरीजों की मौत। मेघालय के सीएम कॉनरेड संगमा कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेशन पर गए। दुनिया में कोरोना के 70,85,00,000 केस और अब तक 15,91,000 से ज्यादा की मौत। फ्रांस में 31 दिसंबर की रात तक लगा नाइट कर्फ्यू, क्रिसमस पर मिल सकती है राहत। जर्मनी पर सीक्रेट लॉकडाउन पर खतरा बढ़ा, रोजाना करीब 600 मरीज दम तोड़ रहे हैं। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी ने 12 से 17 साल के युवाओं पर कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू की।
इमरान खान ने कैबिनेट में किया बदलाव, शेख राशिद अहमद बने हैं गृह मंत्री, 100 और 250 ग्राम तक का है एटम बम वाला दे चुके हैं बयान। रूस से F-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के आरोप में तुर्की पर नए प्रतिबंध लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन समिट खत्म, 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 55% घटेगा। अर्जेंटीना की संसद में अबॉर्शन को लीगल बनाने वाला बिल पास, हजारों लोगों ने विरोध में किया हिंसक प्रदर्शन। कैरिबियाई देश हैती में सड़क पर संग्राम जारी, सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। अमेरिका ने लॉन्च किया डेल्टा 4 रॉकेट, इंटेलिजेंस सैटेलाइट एनरोल 44 के साथ उड़ा रॉकेट। दुनिया की नंबर एक स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी फरारी के सीईओ ने इस्तीफा देकर चुकाया, कंपनी में लीडरशिप संकट गहराया। गूगल और अमेजॉन पर डेटा प्राइवेसी के नियमों के उल्लंघन का आरोप, फ्रांस में 16.3 करोड़ डॉलर का लगा जुर्माना। अमेरिका में फेसबुक के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा केस दर्ज हुआ, कंपनी हारी तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तक बेचना पड़ सकता है।